लेकिन थोड़ा सा मोहित कंफ्यूजन तो था वोटर के मन में, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने अपना चाहे अपनी अपना संगठन बनाया हो या फिर इन्होंने जो भी लोगों के बीच में जाकर कहा हो, ये कंफ्यूजन था। और जिस नाराजगी की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है उसका खामियाजा इन्हें भुगतना हो। आमिर है मेरे साथ। आमिर ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात में सीटों को कवर किया है, लेकिन यूपी की 40 सीटें आमिर आप कवर कर आ रहे हैं, और खासतौर पर वो इलाके पूर्वांचल के जहां पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, और वो वोट बैंक जिसको प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे कि ये वो अब बिना किसी भेदभाव के, जब हमने सारी सरकारी योजनाओं को सब तक पहुंचाया है और सबको लाभ मिला है, तो ये वोट तो हमें ही मिलेगा। ग्राउंड पर ऐसा है क्या, बताइए पूर्वांचल में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी राजनीति की शुरुआत पूर्वांचल से की, पूर्वांचल इतना जरूरी हो जाता है सबके लिए। देखिए, मैंने जो कवरेज किया है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर पूर्वांचल का पूरा इलाका हो, वहां पर मुस्लिम वोट बैंक आखिर वो 14 से 15% मुस्लिम, और खास तौर पे आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में करीब 31 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम जो है बड़ी संख्या में 20% से ज्यादा वोटर्स मुस्लिम आबादी है, और इस बार मुसलमान ने और मुस्लिम समुदाय ने बड़ी संख्या में बाहर निकल करके वोट किया है। खास बात मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, बीजेपी जो है वो कैडर पार्टी है, बीजेपी की जब आप वोटिंग पोल पे जाएंगे तो वहां पर आपको उसके कार्यकर्ता दिखाई देंगे, लेकिन इस बार जो मैंने देखा, चाहे वो लोकसभा कवरेज करने के दौरान हो या फिर वोटिंग के दौरान हो, वहां पर कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता वहां पर दिखाई नहीं देते थे। तो कुल मिलाकर के ये है कि सिस्टमैटिक तरीके से पोल के हिसाब से जिस तरह से बीजेपी ने इस बार चुनाव लड़ा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें, वो काबिले तारीफ है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें, जो आपने सवाल पूछा कि क्या उनको लाभ मिला है, दरअसल देखिए सीधी तौर पर योजनाओं की बात करते हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर के लिए तमाम उज्ज्वला योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं जो सरकार, केंद्र सरकार चला रही है, उसका फायदा कई इलाकों में हम गए तो वहां के लोगों ने हमें बताया कि मुसलमानों को उसका फायदा ज्यादा मिला है, बनिस्बत इसके कि उनको ऐसा ना लगे कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। तो यह फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया है। यह बात अलग है कि मुस्लिम जो साइलेंट और इस बार अंडर करंट वोटिंग की बात कही जा रही थी, उसमें मुसलमान ने कितना बढ़ चढ़ करके बीजेपी को चुना है, क्योंकि कहा जाता है अमूमन यही बात होती है कि बीजेपी जो है बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करता है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदली हुई थी, क्योंकि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, योजनाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, और तमाम जगहों पर अगर हम देखें, कुछ ऐसी सीटें मैं निकाल के लाया हूं जिसमें प्रभाव पड़ सकता है, खासतौर पर अगर आप गाजीपुर सीट की बात करें जिसमें 58% वोटिंग जो है 2019 में हुई थी और 54% वोटिंग जो है 2014 में हुई थी, वो बढ़ी और इस बार मुसलमान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोकतंत्र में मुसलमान जो है इस बार उसने तय किया कि आखिर विकास कौन कर रहा है, क्योंकि कई इलाकों में हम गए जहां पे हमने अलग अलग सेक्टर के लोगों से बातचीत की, मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम समुदाय के, जिन्होंने कहा कि देखिए भाई 70 साल में तो हमारा विकास हुआ नहीं, इससे पहले जो सरकारें थी क्या अगर उन्होंने मेरा विकास किया होता तो मुसलमानों की शिक्षा, मुसलमानों का रहन सहन, मुसलमानों का व्यापार, मुसलमानों का रोजगार और मुसलमानों के को जो नौकरियां मिलती थी वो क्यों नहीं मिलती थी। तो सवाल बहुत कठिन थे और उसका जवाब उन्होंने मुखर होकर के दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मुसलमान ने बड़ी तादाद में वोट किया है, वो घर से जरूर निकले हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि साइलेंट वोटर्स थे बहुत ज़्यादा, जिनसे बातचीत करके और चीज़ें निकलवाने को लेकर के कोशिश हमने बहुत की, बहुत सारे लोगों ने मुखर होकर बोला, लेकिन मैक्सिमम लोग साइलेंट थे। ये वोट किधर जाता है ये देखना होगा, क्योंकि पिछली बार 8% मुस्लिम वोटर्स जो थे उन्होंने वोट किया था बीजेपी को, इस बार मुमकिन है कि ये 11% से 12% तक हो जाए, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि विकास का मुद्दा जो था उनके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा था, जो कि अभी दो बार से बीजेपी करती हुई आई है। आपको बताएं पूर्वांचल के जो क्षेत्र में हम जब जाते थे, अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो सड़कें ऐसी थी कि आप सड़कों पर चल नहीं सकते थे, लेकिन इस बार जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, खासतौर पर 15,000 किलोमीटर की हमने यात्रा की है उत्तर प्रदेश में, उसमें जो हाईवेज का इस्तेमाल हमने किया वो काफी लोगों को पसंद आया, खासतौर पर जब हम वहां पर पहुंचते थे तो यही कहते थे कि आप हाईवे से तो आए हैं, जो पास में हमारा 10-15 किलोमीटर का हाईवे है वही इस्तेमाल किया होगा आपने, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जो है पूरे देश में इसकी चर्चा है।